मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक शिप जिस पे दो आदमी ड्रिंक के तलाश में एक कंटेनर को खोलते हैं, पर उसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट होने के कारण वो वहीं मर जाते हैं और तभी उनका कैप्टन उन्हें शिप से बाहर फेंकवा देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता एक गाड़ी जिसे एक आदमी चला रहा होता है, उसका नाम मालकॉम रहता है। वो एक लड़की के साथ ट्रैवल कर रहा होता है, उसका नाम वेलेंटीना रहता है। वो बेहोश रहती है, मालकॉम उन दोनों का पासपोर्ट दिखा के वहाँ से निकल जाता है। तभी फ्रैंक और टाकोनी को दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों फिशिंग कर रहे होते हैं। तभी फिर सेशन शिफ्ट होता है और मालकॉम को दिखाया जाता है एक जगह पे, उसे पासपोर्ट दिखाने के लिए रोका जाता है पर वो वहाँ से भाग निकलता है और पुलिस उसके पीछे लग जाती है। तभी टाकोनी को कॉल आता है और वो फ्रैंक के साथ वहाँ से निकल पड़ता है। उसके बाद प्लेन से एक आदमी को उतरते हुए दिखाया जाता है, उसका नाम जॉनसन रहता है और एयरपोर्ट से वो बाहर आता है। उसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है, वो मिनिस्टर रहता है और किसी बड़े डील पे डिसीजन लेने वाला रहता है जैसे एनवायरनमेंट पे। और जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो उसे एक सेलफोन पैकेट में मिलता है, वो फोन बज रहा होता है तो हमें पता चलता है कि वो जॉनसन ने भेजा है और इको कॉर्प नाम की कंपनी से नेगोशिएट करने के लिए कहता है। उसके बाद फ्रैंक को अपने घर में टीवी देखते हुए दिखाया जाता है। तभी एक गाड़ी दीवार तोड़ के अंदर आती है और ये वही गाड़ी रहती है जिसे मालकॉम चला रहा होता है। फ्रैंक उसका आईडी देख एम्बुलेंस को बुलाता है और फिर एम्बुलेंस को मालकॉम को ले जाते हुए दिखाया जाता है। और जब फ्रैंक घर में वापस आता है तो देखता है कि उस गाड़ी में एक लड़की भी रहती है, वही जिसका नाम वेलेंटीना रहता है। फ्रैंक उसे उठाता है तो पता चलता है कि उसने और मालकॉम ने जो ब्रेसलेट पहना है वो तार छोड़ के दूर नहीं जा सकते हैं। तभी फ्रैंक एम्बुलेंस को रोकने बाहर जाता है पर वो नहीं रुकते हैं और ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फ्रैंक को दूसरे जगह होश में आते हुए दिखाया जाता है जहां वही ब्रेसलेट फ्रैंक के हाथ में भी रहता है। उसके बाद उसे तैयार होते हुए दिखाया जाता है वहां रखे कपड़े में। उसके बाद जॉनसन को आते हुए दिखाया जाता है जहां वो मालकॉम वाले काम को ऑफर करता है पर फ्रैंक मना कर देता है। तब जॉनसन उसे गन पॉइंट पे हाँ खड़वाता है और फ्रैंक भी हाँ कर देता है पर एक कंडीशन रखता है कि वो अपनी गाड़ी चलाएगा। तभी जॉनसन भी एग्री कर लेता है ये कंडीशन। उसके बाद जॉनसन को फ्रैंक को बताते हुए दिखाया जाता है कि उसने अपना जीपीएस लगवा दिया है और अपने हिसाब से सारे प्रोग्राम सेट कर दिए हैं उसके गाड़ी में। जब फ्रैंक गाड़ी में बैठने जाता है तो देखता है वेलेंटीना भी उसी गाड़ी में बैठी रहती है। तभी फ्रैंक जॉनसन से कहता है वो अकेले चलाना पसंद करता है। तभी जॉनसन ओके कह के वेलेंटीना को मारने वाला रहता है। तब फ्रैंक कहता है ओके मैं इसके साथ जाऊंगा और वहां से निकल जाता है। उसके बाद उसी शिप को दिखाया जाता है, वो उस कंट्री के पोर्ट में जाने का परमिशन मांग रही होती है। तभी वहां की अथॉरिटी उसे मना कर देती है और कहती है एंकर करके वहीं खड़ा रहे जब पेपर नहीं आ जाते। उसके बाद टाकोनी को वही एक्सीडेंट वाले साइट यानी फ्रैंक के घर में दिखाया जाता है जहां वो छानबीन कर रहा होता है और गाड़ी को वहां से भेज देता है। इतने में कुछ लोग आते हैं और उसी गाड़ी को रोक उसमें से एक डिवाइस निकाल वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो मिनिस्टर भी अपने आदमियों को लगाता है अपनी बेटी को खोजने के लिए, जहां हमें पता चलता है कि वेलेंटीना उसकी बेटी रहती है। उसके बाद फ्रैंक और वेलेंटीना को दिखाया जाता है जहां फ्रैंक उससे बात करके डिटेल निकालना चाह रहा होता है, वही वेलेंटीना उसे बात करने से मना कर देती है। फिर टाकोनी को उस जगह पे दिखाया जाता है जहां जॉनसन के लोगों ने डिवाइस निकाला था। वो गाड़ी के कैमरे में चेक करता है और उनका गाड़ी नंबर मिल जाता है और एक क्लू की वो जीपीएस निकाल कर ले गए हैं। उसके बाद मिनिस्टर को तीन लोग मिलने आते हैं और उसे एक पेपर पे साइन करने के लिए कहते हैं एक डील के तहत, जिससे कि फ्यूचर में वही रेडियो एक्टिव मटेरियल उस कंट्री में डंप कर सके और ये सब उसे एक दबाव में कराया जा रहा होता है। उसके बाद टाकोनी को उसी गाड़ी के साथ दिखाया जाता है जहां एक आदमी आके उसे कुछ फोटोज दिखाता है। तभी फ्रैंक और वेलेंटीना को दिखाया जाता है जहां वेलेंटीना फ्रैंक से कहती है कि उसे भूख लगी है। तभी फ्रैंक कहता है हम 100 किलोमीटर दूर है और पूछता है उसे क्या क्या पसंद है खाने में। तब वो बताती और तभी फ्रैंक जॉनसन के बताए रास्ते से न जाके एक दूसरे रास्ते पे ले जाता है अपने एक फ्रेंड के पास जाने के लिए। तभी ये बात जॉनसन को पता चल
जाती है तो वो अपने आदमियों को भेजने के लिए कहता है पर उसे जान से नहीं मारने के लिए कहता है। उसके बाद फ्रैंक को अपने दोस्त के पास आते हुए दिखाया जाता है, उसका नाम ऑटो रहता है। फ्रैंक उसे अपना ब्रेसलेट दिखाता है और इसे निकालने का तरीका भी पूछता है। तब ऑटो उसे बताता है कि ये एक तरह का डिवाइस जिससे कुछ सालों पहले US मिलिट्री के लिए बनाया गया था और ये कैसे काम करता है। और फ्रैंक से कहता है एक डिवाइस गाड़ी में भी लगा हुआ होगा और उसे खोजने लगता है। तभी जॉनसन के भेजे लोग वहां पहुंच जाते हैं और फ्रैंक को वापस उसी रास्ते पे लौटने के लिए कहते हैं, पर फ्रैंक कहता है मैं यहां तो अपनी गाड़ी चेक कराने आया था, और वो उसी रास्ते पे लौटने के लिए कहते हैं। उसके बाद फ्रैंक और उनमें फाइट होती है और फ्रैंक उन सबको मार के आता है। तभी ऑटो को भी वो डिवाइस मिल जाता है गाड़ी में कहां लगा है, और फ्रैंक कहता है उसे गाड़ी में से निकालने के लिए, पर ऑटो कहता है ये वायर्ड है, अगर निकालोगे तो ब्लास्ट हो सकता है। उसके बाद फ्रैंक वहां से कपड़े पहनकर निकलता है। तभी जॉनसन का फोन आता है थोड़ी देर के बाद और बोलता है तुम अभी जिंदा हो। तब फ्रैंक कहता है हाँ, अगर मुझसे काम चाहते हो तो पहले मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब दो। तब जॉनसन कहता है ओके, एक घंटे में वहीं मिलो जहां जाने का तय हुआ है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फ्रैंक को अपनी गाड़ी के साथ एक मार्केट में दिखाया जाता है। तभी वहां बगल में एक बूथ पे फोन बजता है तो फ्रैंक वहां जाके वही वो फोन उठाता है और बात करता है जॉनसन से। तभी जॉनसन भी कहता है तुम्हें अब तुम्हारे काम से फायर किया जाता है। और हमें देखने को मिलता है एक आदमी फ्रैंक की गाड़ी को लेके वहां से भागता है और फ्रैंक अपनी जान बचाने के लिए उससे गाड़ी के पीछे भागता है और कोशिश करता है कि वो 75 फीट के रेंज में रहे जिससे कि वो ब्लास्ट ना हो, और जैसे तैसे कर वो उस गाड़ी को फिर से पा लेता है। उसके बाद टाकोनी को कॉल आता है फ्रैंक का और टाकोनी पूछता है वो कहाँ है और क्या कर रहा है, पर फ्रैंक उसे कुछ नहीं बताता है। तो टाकोनी कहता है मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा अगर कुछ नहीं बताओगे। तब फ्रैंक उसे कहता है कि ये कुछ अमेरिकन का काम है, और फिर दिखाया जाता है फ्रैंक जॉनसन से बात करता है और दूसरी तरफ टाकोनी उसे ट्रेस करने में लगा हुआ रहता है और एक नई फोन खरीद के वहां से चल देता है जॉनसन के बताए कोऑर्डिनेट पे। उसके बाद जब फ्रैंक ड्राइव कर रहा होता है तभी वैलेंटिना कुछ पिल्स निकालती है खाने के लिए, ये नशा करने वाली पिल्स रहती है। फ्रैंक मना कर देता है, तभी वैलेंटिना दोनों खा लेती है। और जब फ्रैंक एक गैस स्टेशन पे गैस भराने के लिए रुकता है तो दिखाया जाता है कुछ लोग वहाँ वैलेंटिना को खोजते हुए आते हैं, और जब वैलेंटिना पे नजर पड़ती है तो फ्रैंक उसे गाड़ी में बैठा कर वहाँ से निकल जाता है, पर वो लोग भी फ्रैंक का पीछा करते हैं। तभी फ्रैंक जॉनसन को कॉल कर इसकी जानकारी देता है तो कहता है एक ही काम कर सकते हो, उनसे तेज भगाओ गाड़ी को। और अच्छे खासे चेजिंग के बाद उनकी गाड़ी एक खाई में गिर जाती है और फ्रैंक एंड में जाके गाड़ी टर्न कर बच जाता है। फिर वैलेंटिना को दिखाया जाता है, वो फ्रैंक के करीब आने की कोशिश करती है पर फ्रैंक मना करता है। उसके बाद वैलेंटिना गाड़ी की कीज लेके बाहर आती और फ्रैंक को कपड़े उतारने के लिए कहती है। तभी फ्रैंक उसके कहे मुताबिक कपड़े उतारता है और फिर दोनों में किस होता है। उसके बाद जॉनसन को दिखाया जाता है, वो मिनिस्टर को कॉल कर धमकी दे रहा होता है कि तुमने अपने आदमी भेजे हैं अपनी बेटी को लाने के लिए। तब मिनिस्टर कहता है सुनो, अगर मेरी लड़की को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कहीं से भी कर निकाल कर मार डालूंगा, और फिर फोन कट कर देता है। उसके बाद फ्रैंक और वैलेंटिना को बात करते हुए दिखाया जाता है जहां वैलेंटिना उसे बताती है कैसे उसे किडनैप किया गया और वो कैसे मालकोम से मिली। उसके बाद जॉनसन को फ्रैंक का लोकेशन फिर से दिखाने लगता है और वो फ्रैंक को कॉल करता है और उसे पूछता है कहां हो तुम। तब फ्रैंक कहता है अपने डेस्टिनेशन के रास्ते में। तब जॉनसन कहता है अब नहीं, एक नया कोऑर्डिनेशन देता और फ्रैंक को फॉलो करने के लिए कहता है। उसके बाद मिनिस्टर को आते हुए दिखाया जाता है जहाँ टाकोनी से उसकी मुलाकात होती है पर वो मिलने से मना कर देता है। तभी टाकोनी कहता है अगर ये बात आपकी बेटी के बारे में तब भी नहीं। उसके बाद फ्रैंक को टाकोनी का कॉल आता है, मिनिस्टर को भी उसके साथ दिखाया जाता है जहाँ टाकोनी फ्रैंक को सब बताता है ये सब उसकी बेटी के जान के बदले उनकी सिग्नेचर चाहते है। तभी फ्रैंक कहता है उसकी रेपुटेशन है 100% सक्सेसफुल डेट और वो वैलेंटिना को वहीं छोड़ेगा जहाँ
जॉनसन ने बताया और कट कर देता है। तभी जॉनसन का कॉल भी फ्रैंक को आता है और जॉनसन कहता है हम भी वहीं पहुंच रहे हैं। और फिर एक ब्रिज पे जॉनसन के लोग फ्रैंक को घेर लेते हैं और डिमांड करते हैं वैलेंटिना को उनके तरफ भेजने के लिए, तो फ्रैंक उसे भेजता है। तभी जॉनसन उसकी ब्रेसलेट खोल देता है और उसे गाड़ी में लेके जा ही रहा होता है और अपने लोगों से कहता है फ्रैंक को मार डालने के लिए, और वो लोग गोली चलाने लगते हैं। पर फ्रैंक गाड़ी लेके वहीं एक नदी में कूद जाता है और जॉनसन यही समझ कर छोड़ देता है कि अगर गाड़ी से बाहर आया तो ब्रेसलेट से मरेगा और अगर गाड़ी में रहा तो डूब के मरेगा। पर फ्रैंक जब तक टाकोनी को अपना लोकेशन बता के उसे बचाने के लिए कहता है और जब तक फ्रैंक टायर की हवा से अपनी जान बचा रहा होता है और जो पार्सल वाला बैग रहता है उसका इस्तेमाल कर गाड़ी सहित बाहर निकलता है। उसके बाद जॉनसन को एक स्टेशन पे दिखाया जाता है फिर ट्रेन से जाते हुए। उसके बाद जब टाकोनी अपने टीम के साथ पहुंचता है तो देखता है कि फ्रैंक गाड़ी पे बैठा है और एक ट्रैक्टर उसे कैरी कर रहा होता है। फिर जॉनसन मिनिस्टर को कॉल करता है पर हमें पता चलता है कि पीछे से पुलिस भी उसे ट्रेस कर रही होती है और जॉनसन मिनिस्टर को कहता है तुम्हारे पास बस 15 मिनट है साइन करने के लिए। उसके बाद फ्रैंक को अपनी गाड़ी ठीक करते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद जॉनसन अपने साथी को कॉल कर पूछता है क्या हुआ साइन का। वैसे ही मिनिस्टर आता है साइन करने के लिए और जब तक टाकोनी भी फ्रैंक को जॉनसन का लोकेशन बता देता है तभी फ्रैंक वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ मिनिस्टर साइन करने के लिए पेपर को पढ़ रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और ट्रेन को दिखाया जाता है जिसमें जॉनसन और वैलेंटिना बैठे रहते हैं। वहीं फ्रैंक भी पहुंचता है और गाड़ी सहित एक ब्रिज से जंप कर ट्रेन पे चला जाता है। उसके बाद अंदर जाता है जहां फ्रैंक का सामना जॉनसन के लोगों से होता है। तभी फ्रैंक उन सब को मार के आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ पुलिस भी उसे फॉलो कर रही होती है और जब फ्रैंक जॉनसन के पास पहुंचने वाला रहता है तभी उसके ब्रेसलेट रेड लेवल पे शो करती है जिससे कि फ्रैंक वहीं रुक जाता है। तभी जॉनसन भी फ्रैंक को कहता है अगर है हिम्मत तो आगे बढ़ो। तब फ्रैंक वहां से चला जाता है और जब तक जॉनसन भी उस डिब्बे को अलग कर देता है कि जिससे कि फ्रैंक अब ना आ पाए। तभी दिखाया जाता है फ्रैंक अपनी गाड़ी में जाके बैठता है और गाड़ी के साथ जॉनसन वाले डिब्बे में घुस जाता है और बाहर निकल कर जॉनसन को मारता है और फिर अपने हाथ से वो ब्रेसलेट निकाल जॉनसन को पहना देता है और गाड़ी को चालू कर देता है जिससे कि गाड़ी रिवर्स में जाती है और जॉनसन उसी डिब्बे में रह जाता है। उतने देर में फ्रैंक वहां से भागता है जिससे कि ब्लास्ट होने से वो बच सके। उसके बाद टाकोनी को मिनिस्टर को कॉल कर बताते हुए दिखाया जाता है आपकी बेटी अब सुरक्षित है। तब मिनिस्टर अपना साइन किया हुआ पेपर को फाड़ देता है और फ्रैंक वैलेंटिना के पास जाता है। उसके बाद चेंज शिफ्ट होता है और फिर से टाकोनी फ्रैंक को फिशिंग करते हुए दिखाया जाता है, पर यहां साथ में वैलेंटिना भी रहती और मूवी का द एंड हो जाता है।